हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चे आज का टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बच्चे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? ये हमारा एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। क्या करते हैं इसके अंदर हम, असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। जो हमारे असेट है उसको हम इक्वल शो कर रहे हैं लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। तो बच्चे तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसके अंदर हम असेट और लायबिलिटी को इक्वल शो करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है बच्चे, ये हमारा ड्यूअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट पर बेस्ड है। क्या मतलब है इसका? कि हर ट्रांजेक्शन के अंदर कम से कम दो इफेक्ट होंगे ही होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने स्टॉक परचेज किया तो मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा और मेरा कैश कम हो जाएगा। मैंने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर में ऐड करेंगे और कैश में से माइनस करेंगे। यानी कि हर ट्रांजेक्शन में कम से कम दो एंट्री तो होनी होनी है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। इसलिए हमने इसको बोला ड्यूअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट। क्या होगा? कम से कम दो इफेक्ट होंगे ही होंगे हर ट्रांजेक्शन में। जो टोटल क्लेम है यानी कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटी है, ये क्या होगा? असेट्स के इक्वल आएगी। असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसको ही क्या बोला बच्चे हमने? इसी को हमने बोला अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छे बिजनेस ट्रांजेक्शन, अब जो ट्रांजेक्शन क्या होता है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आ रहा है, तो वो क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो बच्चे ट्रांजेक्शन से क्या होगा, जो भी असेट लाइबिलिटीज है वो कम होंगी या ज्यादा होंगी। ठीक है, तो हमारे ऊपर ट्रांजेक्शन से क्या होगा, असेट लाइबिलिटी या कैपिटल में चेंज आएगा, इनकी वैल्यू में चेंज आएगा। तो ये क्या है? हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। तो बच्चे ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब हम न्यूमेरिकल्स लेते हैं और न्यूमेरिकल्स की हेल्प से समझते हैं। तो बच्चे प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो बच्चे ये हमारा फॉर्मेट है अकाउंटिंग इक्वेशन। यहां लिखेंगे ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शन क्या होता है? जो भी हमने डीलिंग की, जो भी हमने लेन देन किया, वो है ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन में यहां लिखेंगे फिर असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमारी जितनी भी असेट्स होंगी उनका यहां पर फॉलो बनाएंगे लाइबिलिटीज यहां पर, कैपिटल यहां पर। सॉरी, फर्स्ट ट्रांजेक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 70,000। अच्छे हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो असेट्स में क्या होगा? हमारे पास कैश आएगा और लाइबिलिटीज में हमारे पास कैपिटल। अच्छे बिजनेस स्टार्ट किया, ट्रांजेक्शन लिखेंगे यहां पर ट्रांजेक्शन नंबर वन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 70,000। हमने बिजनेस स्टार्ट किया और हमारे पास कैश आया, तो असेट्स में क्या किया हमने? कैश में ऐड किया 70,000 और हमने कैपिटल में ऐड किया 70,000। अच्छे हर ट्रांजेक्शन में क्या होगा? कम से कम दो एंट्री होंगी। तो बिजनेस स्टार्ट किया, कैश में ऐड और कैपिटल में ऐड। सेकंड एंट्री क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 18,000। तो जो क्रेडिट में यानी कि उधार में गुड्स परचेज कर लिया हमने, जिनसे हम उधार में गुड्स परचेज करते हैं उनको बोलते हैं क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर क्या बच्चे वाली है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी में सबसे कॉलम बनाएंगे क्रेडिटर्स और गुड्स के लिए हम अलग से कॉलम बनाएंगे स्टॉक। तो बच्चे हमारे पास स्टॉक कितना आया? स्टॉक हमारे पास आया 18,000 और लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स 18,000। बच्चों स्टार्टिंग में दो एंट्रीज के बाद, स्टार्टिंग में दो एंट्रीज के बाद हम कैलकुलेट करेंगे न्यू इक्वेशन। स्टार्टिंग में दो एंट्रीज के बाद और उसके बाद हर एंट्री के बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे? न्यू इक्वेशन। तो बच्चे कैश हमारा 70,000, स्टॉक 18,000, क्रेडिटर्स 18,000
एंड कैपिटल 70,000। थर्ड ट्रांजेक्शन, थर्ड एंट्री में क्या किया आपने, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट रुपीज 17,500। बच्चे लिखा है फुल सेटलमेंट, क्या मतलब है, अब हमारा और उसका लेन देन जो है वो कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, मतलब फुल सेटलमेंट उसका हमारे साथ बराबर हो गया। पेमेंट मेड की है, बच्चे पैसा पे किया है तो हमारा कैश कम हो जाएगा, लिखते हैं पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट रुपीज 17,500। बच्चों हमने पेमेंट की, पैसा पे किया, अगर पेमेंट करेंगे तो हमारा कैश जो है कम हो जाएगा 17,500, हमारा कैश कम हो गया। लिखा है फुल सेटलमेंट तो जो क्रेडिटर हमारे हैं ये पूरे कम हो जाएंगे, बच्चों क्रेडिटर की लाइन फुल कम हो गई। इसके बाद बच्चे जो भी हमारे प्रॉफिट्स हैं, जो भी हमारे गेन्स हैं, उन सबको हमें कैपिटल में ऐड करना है, जो भी एक्सपेंस है, जो भी लॉस है, उनको हमें कैपिटल में से माइनस करना है। तो यहां पर क्या हुआ बच्चे, हमने पेमेंट करनी थी 18,000, हमने पेमेंट की 17,500, तो हमने कम पैसा पे किया, तो ये हमारे लिए क्या है, गेन है। तो जितने भी गेन है उनको हम कैपिटल में ऐड करते हैं। स्टार्टिंग में दो एंट्रीज के बाद और उसके बाद हर एंट्री के बाद, हर ट्रांजेक्शन के बाद हम कैलकुलेट करेंगे न्यू इक्वेशन। तो बच्चे हमारा 62,500, 18,000, 0 एंड 70,500। अच्छा ये हमेशा इक्वल आएगा हमारा, जो भी डेबिट क्रेडिट है हमेशा वो इक्वल, जो भी असेट्स और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है वो हमारा इक्वल रहेगा हमेशा। 70,000 है, इन दोनों का ऐड करूंगा तो कितना हो गया, अच्छा ये 50 to 500, तो 18,000 प्लस 50 to 500 तो 70,500, और ये भी इतना हमारा इक्वल। फोर्थ एंट्री है हमारी परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश रुपीज 20,000। मशीनरी को हमने कैश में परचेज किया तो असेट्स में से जो हमारा कैश है वो कम हो जाएगा, कैश में से माइनस किया कैश हमारा कम हो गया, और मशीनरी क्या है हमारी असेट है, तो असेट्स के लिए हम क्या करेंगे, सेपरेटली कॉलम बनाएंगे। अच्छा मशीनरी आ गई 20,000, कैश गया तो हमने क्या किया, कैश में से माइनस किया मशीन परचेज की, हमने मशीन परचेज की तो मशीन हमारे पास आई, कैश हमारा गया, तो कैश में से माइनस किया और असेट्स में मशीनरी में ऐड किया। स्टार्टिंग में दो ट्रांजेक्शन के बाद और उसके बाद हर ट्रांजेक्शन के बाद हम कैलकुलेट करेंगे न्यू इक्वेशन। तो कैश का बैलेंस 32,500, इसको 18,000, मशीनरी 20,000, ट्रेडर 0 एंड कैपिटल 17,500। तो बच्चे ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या किया हमने, बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश में ऐड और कैपिटल में ऐड। सेकेंड ट्रांजेक्शन में हमने स्टॉक परचेज किया क्रेडिट में तो असेट में स्टॉक में ऐड और लाइबिलिटीज में क्रेडिटर में ऐड। फिर हमने कैलकुलेट किया न्यू इक्वेशन, स्टार्टिंग में दो एंट्री के बाद और उसके बाद हर एंट्री के बाद कैलकुलेट करेंगे न्यू इक्वेशन। फिर हमने पेमेंट मेड किया क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट में, मतलब कितना पे किया 17,500 और उसका और हमारे हिसाब बराबर हो गया, तो कैश कितना गया हमारा 17,500, क्रेडिटर कितने गए हमारे फुल वैल्यू 18,000 और जो हमें पे करना चाहिए था 18,000 पे किया 17,500, तो गेन है 500 रुपीज का। सभी प्रॉफिट सभी गेन कैपिटल में ऐड करेंगे। फिर नेक्स्ट एंट्री मशीनरी परचेज की, तो हमने क्या किया कैश में से माइनस और मशीनरी में ऐड, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पहले मैं इसको रेज कर देता हूं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, प्रिपेयर अकाउंटिंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ ओनली कमल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,80,000, गुड्स रुपीज 1,40,000। बिजनेस स्टार्ट किया, असेट भी आया, असेट से कैश आया और गुड्स लेकर आया। तो चेक ट्रांजेक्शन में आप नहीं लिख रहा हूं, ट्रांजेक्शन में आपको सेम लिख रहा है, आप सेम लिख सकते हो या फिर शॉर्ट में इसको लिख सकते हो। तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूं अपर टाइम सेव करने के लिए। बिजनेस स्टार्ट किया, कैश कितना आया 1,80,000, कैश जो है 1,80,000, स्टॉक गुड्स 1,40,000। ठीक है, अब हम इनको को ऐड करके कैपिटल में लिखेंगे, तो ये हमारा है 3,20,000। ये हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है। सेकेंड ट्रांजेक्शन, बोर्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 20,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज 20,000। हमने गुड्स परचेज की कैश में 25,000, तो उससे हमारा जो कैश आउट का हो जाएगा 25,000, और हमने गुड्स परचेज की क्रेडिट में, बच्चों हमने गुड्स परचेज की कैश में, हमने गुड्स परचेज की क्रेडिट में, तो दोनों से क्या होगा, हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। स्टॉक कितना बढ़ा हमारा, प्लस 45,000। अब कितना परचेज किया क्रेडिट में हमने, 20,000, इससे क्या होगा, हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। दोबारा देखो, हमने क्या किया, गुड्स परचेज की कैश में, गुड्स परचेज की क्रेडिट में, कैश में परचेज की तो कैश में से माइनस स्टॉक में ऐड, और हमने परचेज किया क्रेडिट में तो स्टॉक में ऐड और क्रेडिटर में ऐड, तो स्टॉक में कितना ऐड हो गया, 45,000। स्टार्टिंग में दो एंट्रीज के बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे न्यू इक्वेशन। स्टार्टिंग में दो ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करो, 1,55,000 और 1,85,000, 20,000 और 20,000। थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू हेमा, अच्छे नेम लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि हमने गुड्स को क्रेडिट में सेल किया, जिनको हम क्रेडिट में उधार में गुड्स सेल करते हैं उनको हम बोलते हैं डेटर्स। तो डेटर हमारे लिए क्या है बच्चों, असेट्स है। डेटर के लिए हम असेट्स में सेपरेटली कॉलम क्रिएट करेंगे, तो मैंने लिखा डेटर्स, सोल्ड गुड्स टू हेमा कॉस्टिंग परचेज प्राइस 20,000 और सेल कितने किया हमने, 28,000 में, तो डेटर हमारे 28,000 और स्टॉक कम हो गया हमारा 20,000। ठीक है बच्चों, 20,000 की गुड्स 28,000 में सेल कर रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 8,000। जितना प्रॉफिट है उसको हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, 8,000। कैलकुलेट करो न्यू इक्वेशन। अच्छे ट्रांजेक्शन में नहीं लिख रहा हूं, ट्रांजेक्शन आपको क्वेश्चन में से देख के लिखनी है, या तो सेम लिखो, या तो सेम लिखो या फिर शॉर्ट में लिख सकते हो। तो कैश पर नो इफेक्ट, कैश सेम, इसको 1,65,000 and debtors 28,000, creditors 20,000 and capital 3,28,000।
विड्रू फॉर पर्सनल यूज ₹25,000। बिजनेसमैन ने कैश विड्रू कर लिया। जब बिजनेसमैन कैश लेकर आया था तो हमने कैश में एड और कैपिटल में एड किया था। अब बिजनेसमैन पैसा विड्रू कर रहा है तो हम क्या करेंगे, कैश में से माइनस कर देंगे और साथ में कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे। न्यू इक्वेशन 1,52,500 1,65,000 20,000 20,000 3,25,500। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कॉम्प्लिकेशन है। क्या देखते क्या किया हमने इसमें, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में बिजनेस स्टार्ट किया और कैश भी लाया स्टॉक भी लाया, तो हमने कैश में लिखा स्टॉक में लिखा, फिर दोनों का एडल किया हमने कैपिटल में लिखा। सेकेंड एंट्री, गुड्स परचेज किया कैश में भी क्रेडिट में भी, तो कैश में परचेज किया तो हमने उसको कैश में से माइनस किया और स्टॉक में ऐड किया। परचेज किया क्रेडिट में तो हमने क्रेडिट में ऐड किया और स्टॉक में ऐड किया। तो जो कैश में परचेज किया जो क्रेडिट में परचेज किया दोनों को हमने ऐड करके स्टॉक में ऐड किया। थर्ड एंट्री, हमने गुड सोल्ड की हेमा को, कॉस्ट प्राइस 20,000 सेलिंग प्राइस 28,000, तो जितना कॉस्ट है उतना माइनस किया स्टॉक में से, जितना सेल प्राइस है उसको डेटर करके ऐड किया। जिनको हम उधार में गुड सेल करते हैं उनको डेटर बोलते हैं, तो डेटर हमारी असेट है उनके लिए हम क्या करेंगे सेपरेटली कॉलम बनाएंगे। स्टॉक में से माइनस डेटर में ऐड, और जितना प्रॉफिट हुआ गुड्स 20,000 की है सेल किया हमने 28,000 में तो प्रॉफिट हुआ 8,000, कैपिटल में ऐड किया 8,000। इसके बाद कैश विड्रू किया तो हमने क्या किया कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। हर ट्रांजेक्शन में कम से कम दो एंट्री हमारी होनी ही होनी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इसको मैं ये क्वेश्चन को करें। इस क्वेश्चन में हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे इसके साथ में। बिजनेस स्टार्ट किया हमने तो क्या करेंगे, कैश में ऐड कैपिटल में ऐड, बिजनेस स्टार्ट किया बच्चे हमने कैश कितना है 50,000, तो कैश में ऐड 50,000 और कैपिटल में भी ऐड 50,000। सेकेंड एंट्री, पेड रेंट ₹4,000 इंक्लूडिंग 1,000 एज एडवांस। बच्चे हमने रेंट पे किया तो हमारा कैश जो है वो कब हो जाएगा, हमारा कैश गया 4,000 इंक्लूडिंग 1,000 एज एडवांस, 1,000 रुपीज एडवांस में है। बच्चे अगर हमने कोई एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया तो वो हमारे लिए क्या है असेट है, उसका क्या करेंगे हम असेट्स में सेपरेटली कॉलम क्रिएट करेंगे। तो मैंने अलग से कॉलम बनाया बच्चे रेंट इन एडवांस, रेंट एडवांस क्या है बच्चे असेट है, तो असेट में हमने उसका सेपरेटली कॉलम क्रिएट किया। दोबारा देखो, अब रेंट कितना पे किया आपने 4,000, इस इन 4,000 में से 1,000 हमारा एडवांस है तो हमने क्या किया रेंट पे किया तो हमारा कैश कम हो गया, जितना एडवांस है उतना हमने एडवांस में ऐड किया। अब जो रिमेनिंग है 4,000 में से 1,000 हमारा एडवांस है तो 3,000 हमारा क्या है एक्सपेंस है, और जितने भी एक्सपेंस हैं उन सबको हम कैपिटल में से माइनस करते हैं।
स्टार्टिंग में दो ट्रांजिशन के बाद हम कैलकुलेट करेंगे न्यू इक्वेशन। बच्चे 46,000, 1,000 and 47,000। बच्चे ये थी हमारी रेंट इन एडवांस की एंट्री। अगर आउटस्टैंडिंग रेंट होता या आउटस्टैंडिंग सैलरी होता या कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता तो उस केस में हम क्या करेंगे? अगर मान लो एक्सपेंस हमने पे किया, रेंट पे किया, सैलरी पे किया, तो क्या करेंगे? कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। अगर हमने कोई भी एक्सपेंस पे किया, क्या करेंगे? कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। अगर कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो कैश में से माइनस नहीं होगा, क्या करेंगे? लाइबिलिटी में सेपरेटली कॉलम बनाएंगे। किस नाम से? रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, जो भी हमारा एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है वो। तो अगर कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी में उसका अलग से कॉलम बनेगा और कैपिटल में से भी माइनस होगा, ठीक है? अगर कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी में उसका कॉलम बनेगा और कैपिटल में से उसको माइनस करेंगे। अगर एक्रूड इनकम है, एक्रूड इनकम क्या होता है? एक्रूड क्या होता है? अर्न बट नॉट रिसीव्ड। हमने एक्रूड कमीशन है, एक्रूड इंटरेस्ट है, हमने कमीशन मिलनी चाहिए थी बट मिली नहीं है अभी तक, तो क्या करेंगे? असेट्स में अलग से कॉलम बनाएंगे एक्रूड इनकम, एक्रूड कमीशन, जो भी उसका नाम होगा, असेट में बनाएंगे उसको, कैपिटल में एड करेंगे। अगर कोई इनकम हमें एडवांस में मिल गई तो उस केस में हम क्या करेंगे? पैसा मिल गया, कैश में ऐड करेंगे। बच्चे कैश में कभी गलती मत करना। अगर लिखा है रिसीव्ड तो कैश में ऐड करना है, लिखा है पेड तो कैश में से माइनस करना है। कमीशन लिए एडवांस में, कैश में ऐड करेंगे। और क्योंकि वो एडवांस में मिली है, हमारी इनकम नहीं है, तो लाइबिलिटी में कॉलम बनाएंगे कमीशन इन एडवांस या इनकम इन एडवांस। तो कोई भी कमीशन हमारी एडवांस में मिली तो वो क्या है? हमारी लाइबिलिटी है। अगर एक्रूड इनकम है तो वो क्या है? हमारी असेट है। एक्रूड इनकम है, असेट में कॉलम बनाएंगे और उसको कैपिटल में ऐड करेंगे, ठीक है? तो बच्चे हमारा सेकंड पॉइंट हो गया था। थर्ड पार्ट का जो बोर्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट 20,000। हमने गुड्स परचेज की तो क्या करेंगे? परचेज की कैश में, तो कैश में से माइनस 30,000। परचेज किया क्रेडिट में, तो क्रेडिटर में ऐड कितना? 20,000। अब दोनों को ऐड करो और असेट में, स्टॉक में ऐड कर दो। हाउ मच? 50,000। कैलकुलेट करो न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन तो 16,000, 1,000, 50,000, 20,000 and 47,000। फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स बोर्ड ऑन क्रेडिट ₹25,000। जिन गुड्स को हम क्रेडिट में लाए थे, परचेज किया था, उनको हमने सेल कर दिया 25,000 में। अब फोर्थ ट्रांजेक्शन मेंशन किया कि सेल कैसे किया, तो हम एज्यूम करेंगे कैश में सेल किया। क्रेडिट में सेल करेंगे तो नाम बताया कि किसको हमने सेल किया। तो हमने क्या किया? सोल्ड गुड्स बोर्ड ऑन क्रेडिट 20,000। हमने वो गुड्स सोल्ड किया जिसको हमने क्रेडिट में परचेज किया था। तो यानी कि गुड्स लाए थे क्रेडिट में 20,000 की, सेल कितने किया? 25,000 में सेल किया। तो बच्चे कैश में ऐड करो, कितना ऐड करो? 25,000 कैश में हमने ऐड किया। इसके बाद स्टॉक में से माइनस करो, कितना सेल किया? अब गुड्स थी 20,000 की, सेल किया 25,000 में, तो ये हमें होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड कर देंगे।
न्यू इक्वेशन +1000 +1000 20000 20000 और 52000 अगर इनको ऐड करते हैं तो 72000 और 72000 ये पैसा इक्वल आएगा बच्चों। फिफ्थ एंट्री हमारी परचेज फर्नीचर वर्थ ₹10,000 फॉर ऑफिस यूज एंड फॉर 5,000 फॉर डोमेस्टिक यूज। अच्छा डोमेस्टिक यूज पर्सनल यूज हाउस होल्ड यूज सब क्या ड्रॉइंग्स है और ड्रॉइंग्स में क्या लेंगे अगर कैश विड्रू किया तो कैश में से माइनस कैपिटल में से माइनस सॉरी स्टॉक विड्रू किया तो क्या करेंगे स्टॉक में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। अगर फर्नीचर पर या किसी असेट पर डेप्रिसिएशन है डेप्रिसिएशन क्या होता है असेट्स को यूज करने से उनकी वैल्यू में कमी आ रही है तो वो क्या डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन में क्या करेंगे हम जो असेट है उसमें से माइनस मान लो फर्नीचर है तो फर्नीचर में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। ठीक है हमने परचेज किया फर्नीचर तो असेट में बनाएंगे कॉलम फर्नीचर जितना ऑफिस यूज के लिए बोलिए है 10,000 हमारा कैश कितना गया हमारा कैश गया 15,000 जो हमारा डोमेस्टिक यूज है वो ड्रॉइंग्स है उसको हमें कैपिटल में से माइनस करना है। न्यू इक्वेशन थर्ड ट्रांजेक्शन के बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे न्यू इक्वेशन तो ये हो गया 26,000 1000 30,000 10,000 20,000 and 47,000। तो ये था बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे एक एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चे बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया तो पैसा लेकर आया अगर ये पैसा बिजनेस में नहीं होता तो कहाँ होता बैंक में होता और बैंक में हमें इंटरेस्ट मिलता तो उस पैसे इंटरेस्ट को कंपनसेट करने के लिए तो जो बिजनेस है वो बिजनेसमैन को कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं करता है। तो इस ट्रांजेक्शन में हम क्या करेंगे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो अमाउंट है उस अमाउंट को हमें कैपिटल में ही ऐड करना है कैपिटल में से ही माइनस करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेसमैन ने बिजनेस में से पैसा निकाल लिया तो ड्रॉइंग्स है अब उस ड्रॉइंग पर बिजनेसमैन बिजनेस को इंटरेस्ट देगा तो क्या करेंगे इसमें हम इसमें भी क्या करेंगे कैपिटल में ही ऐड कैपिटल में ही माइनस। बिजनेसमैन ने दिया उसे कैपिटल कम हो गई बिजनेस के लिए इनकम है तो कैपिटल को उसको हमने ऐड कर दिया तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दोनों में ही क्या करेंगे हम कैपिटल में ही ऐड कैपिटल में ही माइनस। ठीक है बच्चों तो ये था हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। अभी इसमें हमें बैलेंस शीट भी बनानी है अब वो बनाने वाले हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए हमारा फॉर्मेट बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का अमाउंट कितना है और असेट्स का अमाउंट कितना है। अच्छा लायबिलिटीज जो है हमारे पास क्या क्या है क्रेडिटर्स है और कैपिटल है तो लायबिलिटीज में लिखा हमने क्रेडिटर्स। क्रेडिटर नाम याद रखिएगा हमने अमाउंट लेके लास्ट पर क्योंकि जो बैलेंस है वही लिखा है बैलेंस शीट के अंदर। कैपिटल कैपिटल का बैलेंस है 40
7000। असेट्स में कैश कैश हमारा 26000। क्या कर रहे हैं हम, नाम यहां से यूज कर रहे हैं, नेम यहां से यूज कर रहे हैं और अमाउंट लास्ट में ले रहे हैं, बैलेंस ले रहे हैं। कैश के बाद रेंट इन एडवांस, रेंट हमने एडवांस में पे किया, तो ये हमारी असेट है 1000 रुपीज। स्कोप, स्कोप भी हमारी असेट है 30000। स्कोप के बाद फर्नीचर, फर्नीचर भी हमारी क्या है असेट है 10000। अब इनको हम ऐड कर देते हैं, बैलेंस शीट जो है वो हमेशा इक्वल आएगी हमारी, ठीक है। तो क्या क्या बैलेंस शीट के अंदर हमने जो नेम है वो यहां से यूज किया हमने, और अमाउंट जो है लास्ट वाला हमने यूज किया। तो बैलेंस शीट में क्या करना है, जितने भी बैलेंस है वो लिख रहे हैं। तो ये पीछे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है और साथ में हमारी बैलेंस शीट। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा, यस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। Prepare the accounting question on the basis of following transactions. तो हमें इसमें बनाना है accounting question. मैं इसको रेज करता हूँ पहले। हमने फर्स्ट एंट्री के अंदर बिजनेस स्टार्ट किया और हम साथ में कैश लेकर आए और हम जो है कैपिटल लेकर आए, कैपिटल हमने बिजनेस स्टार्ट किया और हम कैश लाए और इन्वेंट्री लाए। तो कैश लेकर आए, कैश में आए, कैपिटल में आए, जो इन्वेंट्री लाए हैं तो उसको हम स्टॉक में ऐड करेंगे और साथ में उसको कैपिटल में भी ऐड करेंगे। अगर मान लो बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया और वो कैश ले आया और चेक ले आया, तो कैश आया तो कैश में ऐड किया, और अगर चेक लेकर आया तो चेक को हम क्या करेंगे, असेट्स में बनाएंगे सेपरेट कॉलम बैंक के नेम से, असेट में लिखेंगे बैंक और उसको हम कैपिटल में भी ऐड करेंगे। आई रिपीट, हमने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया और हम कैश लाए चेक लाए, तो कैश लाए तो कैश में लिखा, चेक लाए तो बैंक में लिखा, तो दोनों बार रख के कैपिटल में लिखा। यहां पर क्या किया हमने, बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लेकर आए और इन्वेंट्री लेकर आए, तो कैश लेकर आए तो हमने कैश में लिखा 50000, और कैश के साथ साथ हमने लिखा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, स्टॉक या इन्वेंट्री एक ही बात। अब इन दोनों को ऐड करो और इनको कैपिटल कर दो। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, सेकेंड नंबर, बोर्ड गुड्स फॉर कैश 15000 एंड ऑन क्रेडिट 10000। गुड्स परचेज किया हमने कैश में 15000, तो कैश में से माइनस करेंगे, परचेज किया क्रेडिट में तो क्रेडिट में ऐड करेंगे 10000। अब दोनों को ऐड करके हम स्टॉक में ऐड कर देंगे, ठीक है बच्चों, 35000, 45000, 10000 और 70000। थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, थर्ड वाली ध्यान से पढ़ना है इसको। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 24000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.13%। 33.13% है, इसको सोल्व करो तो 99 plus 1 100/3, यानी कि 100/300, यानी कि 1/3, दिस इज नथिंग बट 1/3। कैसे सोल्व किया इसको हमने, पहले मल्टीप्लाई किया 99 plus 1 किया 100, तो 100/3% तो 100/300
one by two. Sold goods 4 rupees, sold goods costing rupees 24,000, sold at a profit of 33 1 by 3%, costing purchase price 24,000, इसमें profit 1 by 3, यानी कि 8,000, तो 24,000 रुपए की goods, profit हमारा 8,000 था. Half of the payment was received cash, half payment cash में received हुई, तो half क्या है credit में है, जिनको हम क्रेडिट में गुड सोल्ड करते हैं उनको बोलते हैं डेटर्स. तो बच्चे स्टॉक कितना गया हमारा, स्टॉक हमारा कम हुआ 24,000, स्टॉक कितना कम हुआ हमारा 24,000. बच्चे प्रॉफिट कितना है 33 1/3%, हमने सोल्ड किया इसको तो 1/3, तो 24,000 का 1/3 यानी कि 8,000. 24 plus 8 यानी कि 32,000. हाफ पेमेंट मिली कैश में, तो हमने कैश में ऐड किया 16,000, और जो नहीं मिला वो डेटर है असेट्स में, उसको ऐड किया डेटर में 16,000. कैलकुलेट करो न्यू इक्वेशन, 51,000, 21,000, 16,000, 10,000 और 78,000. लास्ट एंट्री, फर्नीचर परचेज किया ऑफिस के लिए 6,000, हाउस होल्ड 4,000. असेट में बनाएंगे कॉलम फर्नीचर, इतना ऑफिस के लिए असेट बनी 6,000. कैश कितना गया हमारा, कैश गया हमारा 10,000, और जो हमारा हाउस होल्ड है जो ड्रॉइंग्स है कैपिटल में से माइनस करेंगे, तो माइनस करो 41,000, 21,000, 16,000, 6,000, 10,000 एंड 82,000. इनको आप ऐड करोगे तो ये इक्वल भी आएगा. तो ये हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों. तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.